पब्लिक टीवी आपकी आवाज। MIT के बर्खास्त किए गए 23 कर्मचारियों में से दो कर्मचारी श्री विनोद कश्यप एवं विजय शंकर चौबे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। साथ ही सभी MIT कर्मचारियों द्वारा उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी रहा। कॉलेज प्रशासन की ओर से धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से वार्ता करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो कर्मचारियों ने बताया कि उप श्रमायुक्त मुरादाबाद के पास लंबित वार्ता की तारीख थी, परंतु उप श्रमायुक्त मुरादाबाद में उपस्थित न होने के कारण अगली तारीख दी गई है। इसके बाद बर्खास्त कर्मचारियों के साथ कुछ कर्मचारी जिला अधिकारी ऑफिस गए, जहां पर जिला अधिकारी महोदय ने दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराने का आश्वासन दिया है। वहीं LIU पदाधिकारियों ने कॉलेज में आकर कॉलेज प्रशासन तथा धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से इस अवसर पर जानकारी ली। तो वहीं अन्य कर्मचारियों ने बताया कि कल दिनांक 11/1/2019 को क्रमिक अनशन भूख हड़ताल पर दो कर्मचारी श्री सुशील सैनी एवं श्री अनिल कुमार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेंगे। इस अवसर पर सचिन राघव, विनोद कुमार सक्सेना, प्रदीप कुमार, विनय दुबे, राजकुमार, अशोक कुमार वाल्मीकि, अर्जुन वाल्मीकि उपस्थित रहे। अध्यक्षता विष्णु दल शर्मा एवं संचालन ओमपाल सिंह द्वारा किया गया। चौथा दिन है आज हमारा प्रदर्शन का। हम 4 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारे दो कर्मचारी समय अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारे 23 कर्मचारियों को यहाँ बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि हमारे नियमित कर्मचारी थे। कॉलेज प्रशासन ने हमें 23 कर्मचारियों को निकाल दिया है, बिल्कुल बाहर कर दिया है, जो कि नियमित थे। हालांकि कल गुप्ता जी का मैंने न्यूज़ देख रहा था, उन्होंने बोला है कि ये जो संविदा कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब परमानेंट कर्मचारी हैं, सबको स्केल मिल रहा है, सब भी जो भी गवर्नमेंट के नियम्स हैं उनके हिसाब से कॉलेज चल रहा है। लेकिन इन्होंने क्या करा, 23 कर्मचारियों को निकाल दिया ये कह करके कि हमारा कॉलेज में जो है ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ज़रूरत बहुत है, कॉलेज में स्टाफ भी बहुत है और कॉलेज में जो है स्टूडेंट भी बहुत हैं, कॉलेज में इनकी ज़रूरत है, लेकिन इनको निकाल दिया गया है। दरअसल में ये चाहते हैं कि कॉलेज में ठेका प्रथा कर दें, 6,000 रुपये में हम आदमी लेकर के आएँ और इन लोगों को कॉलेज से निकाल दें। ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारे 23 के 23 कर्मचारी को तत्काल से बहाल किया जाए और उनको कॉलेज के अंदर द्वार से नियुक्ति मिल जाए। मेरा यही कहना है कि पुरानी नियुक्ति दी जाए इनको।